हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल QFAT में। हाजिर हूँ एक नए वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। इस बार जो वैकेंसी है वो है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होंडा कंपनी में वैकेंसी आई है। तो होंडा कंपनी के वैकेंसी के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि इस कंपनी में जॉब लेने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस कंपनी में जॉब लेने के लिए, और इसकी ये कंपनी आपको कितनी सैलरी देगी और साथ ही क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जिन्हें जॉब की ज़रूरत है। तो चलिए आप वैकेंसी के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये मेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, अभी फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है। तो अगर आप फीमेल हैं तो अभी आप वेट कीजिए, जब फीमेल के लिए वैकेंसी आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब आप जान लीजिए कि अगर इस कंपनी में जॉब लेना चाहते हैं तो यहाँ दो टाइप के वैकेंसी निकाली गई है, एक फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी इस जॉब को ले सकते हैं और जो बिल्कुल फ्रेशर है, अभी तक किसी कंपनी में जॉब नहीं किए हैं, वो भी इस जॉब को ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 18 से 28 साल के बीच वालों को लिया जा रहा है। जो फ्रेशर है उसको 24 साल तक ही लिया जाएगा और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो 28 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन की, इस कंपनी में जॉब लेने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 12 पास या फिर ITI। तो जो 12 पास होंगे, अब आप जान लीजिए कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और ITI वालों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस कंपनी में आपको कैंटीन, PF, ESI वगैरह सब मिल जाएंगे। रूम आपको कंपनी के पास में ही मिल जाएगा। और सबसे मेन कि इस कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो आप जान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने 12वीं पास की है, तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो है 12,000 रुपये। अगर आपने ITI किया है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आपको 16,000 रुपये सैलरी महीने का दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप इस पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए जॉब वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।